हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है दिल्ली में दूसरा दिन। और गाइस, फिलहाल पवन देने जा रहा है। मैं तो साथ जा रहा हूँ। कैसा है पवन, हाउ इज द जोश? तो भाई, सारी तैयारी हो गई है, हम लोग तैयार हो गए नहा धो के दोनों भाई। अरे फ्लैश जल रहा है यार, फ्लैश कैसे जल गया है? चलो कोई नहीं, ये भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया हूँ। जिया जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सेजू छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सेजू स्कूल जा रही है, अगर दिख जाए यहाँ से तो। वो चली गई, देखो वो बाहर होगी। सेजू को भी देख ही लेते हैं। गाइस, आप लोगों को ब्लॉग में दिखा देते हैं। सेजू देखो स्कूल जा रही है। सेजू वो चली गई, देखो वो कहीं मेरे आने से पहले चली गई पापा के साथ। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना कि खाना खा लेते हैं, क्योंकि आने में फिर टाइम लग जाए, बहुत दूर जाना। चल छोड़ दिया, यहाँ सर देख, यहाँ तो खड़ा होना भी डेंजर है, पूरा वायरिंग कितना सारा। आ जाओ गाइस, नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या चल रहा है। टुन्नो क्या कर रही है? टुन्नो यहाँ पे पानी पी रही है। किचन में खाना बन गया है। खाने में क्या बना है भैया? दूध दे दो। खाने में कुछ पूड़ी? क्या बात है, पूड़ी बनी है? नहीं, पूड़ी कल की है, गर्म है, गर्म नहीं है, ठंडी है। आम पवन खाएगा? पवन सोफा का मजा आता है क्या? टेंशन मत ले। जिया जी आ गए, सेजू छोड़ के बड़ी जल्दी आ गया, 2 मिनट भी लगा हुआ छोड़ के आ गया, फास्ट में स्कूल। तो फिलहाल तो देखो हम खाना खाते हैं। आओ जा, खाना खाते हैं, लेट हो रहा है, एग्जाम छूट जाए। पवन का, पवन की नौकरी का सवाल है पवन, और क्या? आप कोई छोड़े ना, 8वीं 9वीं का एग्जाम है, ये सीधा नौकरी का एग्जाम है पवन। अब तू नौकरी का एग्जाम दे रहा है यार, मैंने दिया सर। तो चलो गाड़ी लगाओ साइड में, टुन्नो खाना निकाल रही है। क्या क्या बना रही टुन्नो? रोटी रो क्या है? आलू का सब्जी, मशरूम। कल आलू वाला भी ऐसा ही लग रहा था, मशरूम वाला भी ऐसा लग रहा, सब एक जैसा लगता है क्या? तो टुन्नो वो खाना निकाल ले दो, फिर हम लोग खाना खाते हैं साथ में बैठ के, फिर निकलते हैं यहाँ से। टुन्नो आज दिन भर अकेली रहेगी, हम दिन भर बाहर रहेंगे आज। पवन मशरूम की सब्जी है, घर में बना कर। मशरूम की सब्जी है क्या? मेरा आलू की सब्जी। मुझे भी अब लग रहा पर मशरूम है, लग रहा है स्वाद में भी लगना चाहिए। तो फिलहाल से जीजा जी बाबा बाहर चले गए दही लाने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी बना दिया ठीक है। कल सूखा पनीर का सब्जी टिफिन में, और रोटी बना देना। रोटी नहीं, वो 3 कोने वाला पराठा ठीक था ना? तो गाइस फाइनल निकल गया। कितना टाइम हो गया? पता नहीं कितना टाइम हो गया। टुन्नो देखो इधर से, 8:24 हो गया गाइस, पता नहीं लेट नहीं हो जाए। 10:30 से पहुँचना है। बाय टुन्नो। तो फिलहाल तो पैदल पैदल चलना है, पता नहीं कहाँ तक चलना है। बस पकड़नी है, बस से जाएंगे। वैसे बाइक से जा सकते थे लेकिन 3 लोग हैं, चक्कर बाइक से जा रहे हैं। तो बाइक को घर में खड़ा कर दिया और बस से जा रहे हैं। लो भैया, अच्छा हुआ बाइक ले लिया है, वरना यार अभी फाटक बंद था, अभी ट्रैफिक लग गया था। फिर कोई ना, जीजा हमको गाइड कर रहे हैं, मैं पवन सब चल रहे हैं। तो भाई साल तो हम लोग बैठ गए भाई बस में, बस का सफर चल रहा है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? जीजा कह रहे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा जीजा आपका अनुभव है कि पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे तो खत्म हो जाएगा। नहीं पहुंचे तो जीजा का पिज्जा बन जाएगा। जीजा को टुन्नो को बोल दो, जीजा के चक्कर में पेपर छूट गया पवन का। जीजा ये वाला इमरजेंसी एग्जिट है, अपन इधर से बाहर चल जाएंगे। ड्राइवर साहब एकदम आगे आगे और मैं एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ। और भाई साहब एकदम मस्त वाला फीलिंग आ रहा, 25 रुपये का टिकट लिया है। और भाई 25 रुपये 22 किलोमीटर जाएंगे हम लोग। अच्छा है, सस्ता वाला काम है। और भीड़ बहुत है इधर यार, रोक रोक के जाता है, बस यही दिक्कत है। खुद की गाड़ी होती ना तो उड़ते हुए जाते हैं, बीच में रुक रुक के जाना पड़ता है। उस बस ने हमको यहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा पता नहीं है, लेकिन ऊपर से मेट्रो स्टेशन जा रहा कोई, तो मेट्रो जा रही है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, गाड़ी पार कर रहा है भाई, रोड पार कर रहा है। मोबाइल में यहाँ से कितना दूर होगा जिया जी? ओ जिया जी कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ बोलते ही नहीं है। अब इधर से 1.5 किलोमीटर बचा हुआ गाइस। तो फिलहाल तो इस गाड़ी चलेंगे। 25 रुपये उधर से लगा और 10 रुपये यहाँ से, 35 रुपये में एक बंदा सेंटर तक पहुँच रहा है। चलो ठीक है, अच्छा है, अभी देखते हैं इधर कितना क्या रोता है। जल्दी आ गए ना, 1 घंटा है, जल्दी आ गए, बढ़िया। तो उसमें क्या दिक्कत है, 1 घंटा तो टाइम पास करेंगे कहीं बैठ के, एग्जाम सेंटर पे जल्दी जाने का, लेट नहीं। तो गाइस पवन तो वहाँ से चला गया अंदर, और हम लोगों को अलाउ नहीं है, तो हम लोगों को 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 1 घंटा, फिर 1 घंटे का एग्जाम, 2 घंटे वेट करना है। पवन चला गया, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर अब बाहर खड़े होंगे, बैठेंगे चाय की टपरी पर बैठेंगे। तो ये तो बढ़िया अच्छा जगह है, ऐसा पार्क वार्क बढ़िया है, देखो पीछे पार्क है। अभी यहाँ पे क्या थोड़ा वीडियो बनाने में बचना पड़ रहा है, आजू बाजू कोई देख रहे हैं दिक्कत जाएगी। तो
तो फिलहाल चलते हैं अपन, थोड़ा आवाज कर दूंगा, एडिटिंग में तेज कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे इतनी तगड़ी वाली गर्मी है, इतनी तगड़ी की खड़ा नहीं हो सकते उधर, इस चक्कर में उधर जाना पड़ रहा बाहर यहाँ से 400 मीटर। अभी तो इधर बच्चे जा ही रहे, देखो कुछ बच्चे लेट जाते, कुछ जल्दी आ जाते, हमारे तरह कुछ होते जो जल्दी चले जाते। क्या कह रहे हैं? 2 घंटे पहले। हाँ तो सही है ना, पेपर है भाई, 10वीं 11वीं का पेपर थोड़ी ना यार, नौकरी का पेपर, जल्दी जाना पड़ता है। हमारे जीजाजी उस तरफ चले गए और वो कैसे इस पुल को पकड़ के, कलयुग के पुल को। और फिलहाल तो मैं भी इस पे ही चल रहा हूँ, फोन को थोड़ा साइड रखता हूँ, हैंगिंग ब्रिज में गिर गया तो लेन देना पड़ जाएंगे। तो गाइस फिलहाल तो फोन ने एग्जाम दे लिए और भाई बहुत तेजड़ी हो गया, ब्लॉगिंग इसलिए नहीं हुआ कि पूरे गीले हो गए, पूरा सब कुछ गीला हो गया। तो फोन अभी निकाला बैग में से, इसको सुखाया है फोन, इसको देखो पोंछ रहा है सबको, ले सबको पोंछ, इनमें पानी होगा। देख कैसा गया एग्जाम, लगता है कुछ। तो फिलहाल तो यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, घेवर जगह का नाम है, अब यहाँ से सीधा जाएंगे नोएडा। क्यों जी जाइए नोएडा चले, फोन सुखा लो थोड़ा, पोछ पाछ लो, खराब हो जाएगा अभी, स्पीकर बंद हुआ ना अभी फोन बंद जाएगा। सुबह आए थे जब हालत कितनी अच्छी थी, अब देखो कैसा हो गया। क्या कह रहे हो, बिरयानी छोले बोलते हैं, छोले भटूरे? अरे हाँ। अरे नहीं यार, ये तो ऑयली फूड होता है। कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, तो फिलहाल तो यहां से मेट्रो चेंज करेंगे नोएडा के लिए, नोएडा के लिए मेट्रो आने वाली है 1 मिनट में। तो गाइस फिलहाल तो अभी मस्त लग रहा था, पर अब कपड़े भी सूख गए, बस जूता और ये बस, यहां से देखो गीला दिख रहा होगा आपको, यहां से सूख गया, यहां से गीला है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत है जूता दे रहा, जूता बहुत गीला होता है। कोई ना जय जी, सूखे क्या, सूख गए जूता, अंडरवियर? मेट्रो आ गई है, अब इसमें बैठेंगे, तो फटाफट फोन अंदर रखते हैं मेट्रो में, फोन निकालेंगे तो चोरी जाते हैं। नोएडा पहुंच गए तो फिलहाल तो टिकट लिया हाथ में, अब यहाँ से निकलते हैं भाई। आज तो दिन भर मेट्रो ही मेट्रो में रहेंगे, फोन घूमने वाले तो मेट्रो में ही घूम रहे दिन भर से ही, मेट्रो बस बस मेट्रो बस। नोएडा सेक्टर 18 में फिलहाल गए, तो अभी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, पवन सड़क पर तो नहीं घूम रहा, फुटपाथ पर घूम रहा। इधर एक मॉल है डीएलएफ मॉल, उसमें जा रहे हैं, उसमें मैं पहले भी आ चुका हूँ, जब हम लद्दाख राइड पर थे तो मैं डीएलएफ मॉल मारे यहीं कहीं आसपास हमने रूम लिया था, एग्जैक्ट तो याद नहीं लेकिन मेरे को पता ही एरिया। तो इधर जा रहे हैं फिलहाल तो डीएलएफ मॉल, वही पवन के डिमांड पे जा रहे हैं, इसने कहा कुछ तो घुमा दो दिल्ली आयो तो बस यहाँ पे यही है कि थोड़ा सावधानी से चलो, क्योंकि यहाँ पे भी चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षित हो, कोई भी आके यहाँ का पानी का छीटा, वो भी काला वाला पानी। पवन कौन सा वाला पानी? काला वाला, शुद्ध एकदम काला पानी आपके ऊपर छीट सकता है, आपका वाइट टी शर्ट एकदम काला कर सकता है। पवन वेलकम टू डीएलएफ मॉल, कैसा लग रहा है बाहर से देख ले? अरे यार मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यार क्योंकि अपन 900 मीटर पैदल आ गया, वापस 900 मीटर जाना है, इधर से निकल लेंगे शॉर्टकट है क्या आपको कुछ पता है? गूगल मैप पे देखो कैसा लगा जीजा मॉल, बढ़िया है, पहली बार आया जीजा देख लो। गाइस मैं तो आ चुका हूँ पहले भी, पवन तू पहली बार? डब्ल्यू टी पी से अच्छा है कि थोड़ा मतलब एवरेज है? डब्ल्यू टी पी से के बराबर है ना? हाँ अच्छा है। मैं तो पिछली बार आया था, मैंने यहाँ पे स्टारबक्स में चाय पिया था, 400-500 का कुछ चाय था, उसके बाद मेरा मन ऐसा मन हो गया कि अब चलो। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया है और भाई अल्लाह की मज़ा आया। पवन पिज़्ज़ा कैसा लगा? पवन पिज़्ज़ा कैसा लगा? मस्त लगा ना, मज़ा आया, इसका तो बात ही अलग है। तो गाइस अब चले घर।